हम अभी औरंगाबाद मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर हैं। यह जगह पतलगंगा के नाम से मशहूर है। यहाँ मान्यता है कि जिन महिलाओं को बच्चा की प्राप्ति नहीं होती है, संतान की प्राप्ति नहीं होती है, वह यहाँ आकर के कुंड में स्नान करते हैं तो उनको संतान की प्राप्ति हो जाती है। हमारे साथ इस मंदिर के देखरेख के लिए जो उपस्थित हैं वो बाबा हैं। आइए हम उनसे जानना चाहते हैं कि क्या है मंदिर की विशेषता, क्या है और इस कुंड की विशेषता क्या है। जी बाबा, क्या नाम हुआ आपका? मैं सबसे पहले जय श्री सीताराम। मेरा नाम सुंदर लाल है। यहाँ सर विशेषता से 300 वर्ष पहले देव जो राजा साहब थे, उनकी राजा का संतान नहीं होते थे, तो साधु यहाँ ज्ञानीनंद बाबा आए और राजा साहब उनसे आग्रह किए कि मुझे संतान चाहिए। तो ज्ञानीनंद बाबा अपना तपस्या से ये जो त्रिभुज तालाब देख रहे हैं इसमें चिमटा गाड़कर सबसे पहले पानी का उत्पन्न किए, जो बहुत वर्षों से पानी ही यहाँ का घी डालडा जो भी वगैरह घटते थे सामग्री में बाबा यहाँ से निकाल कर देते थे। और जिन महिलाएं का संतान नहीं होता है, आज भी ये परंपरा चलते आ रहा है कि महिलाएं अपना भींगा हुआ वस्त्र यहाँ छोड़ देते हैं और व्रत करते हैं, उनकी अवश्य संतान पुत्र या पुत्री मिलता है। हम लोग कुछ बहुत सारी महिलाएं यहाँ पे हैं जो स्नान भी कर रही हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है। किस लिए मशहूर है पतलगंगा? जैसे जिसका संतान नहीं होता है तो इस दिन को नवा पोखरा में नहा के उसी में कपड़ा छोड़ देते हैं, तो उससे संतान हो जाता है। मतलब ऐसा है? हाँ ऐसा है, इसका यही मतलब अथी है, मशहूर है। हाँ, इसीलिए पतलगंगा तीन पोखरा कहते हैं इसको। हमारे साथ यहीं पतलगंगा के भी हैं, मौजूद हैं संजय कुमार पाठक जी हैं। आइए इनसे जानते हैं पतलगंगा का क्या महत्व है और लोगों की आस्था क्यों है इतनी यहाँ पे। जी, पतलगंगा एक सिद्ध पीठ स्थान है। यहाँ सर्वप्रथम ज्ञानीनंद ब्रह्मचारी आए थे, पानी का यहाँ पूरा हाहाकार मचा हुआ था। उसी समय बाबा अपना चिमटा गाड़िन और जमुनी तालाब से पानी उत्पन्न हुआ। उसके बाद उस तालाब का आस्था है कि यहाँ जो भी परवैता आता है, जिन निसंतान हैं वो अपने बाल बच्चों के लिए कामना के लिए वहाँ पर कपड़ा खोल कर करके रख देते हैं, स्नान करते हैं और फिर दूसरा कपड़ा बदल कर करके भगवान राधे कृष्ण का दर्शन करते हैं। उसके बाद वो परिपूर्ण साल भर में अपना मनोकामना लेकर के फिर आ जाते हैं। भगवान का चमत्कार ही मांगेंगे, लोग इतनी दूर दूर से यहाँ पे आते हैं संतान प्राप्ति के लिए और उनको प्राप्त होता भी है। पतलगंगा इसी के लिए मशहूर है और लोगों को संतान प्राप्ति होती है। औरंगाबाद से अभिनेश कुमार सिंह।